हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, EPS 95 पेंशन से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। तो EPS 95 पेंशन से संबंधित रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखिए EPS 95 की जो नेशनल कमेटी है, NSE जो कमेटी है, उनकी तरफ से एक लेटर रिलीज किया गया है। और इस लेटर में क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आपको इसकी कॉपी डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। बाकी मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा गया है EPS 95 नेशनल गैस कमेटी, और यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जो है NSE के जो अध्यक्ष हैं कमांडर अशोक रावत जी, उनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दी गई है। और यहाँ पे देखिए जो पत्र क्रमांक EPS 95 NSE अंगेश पेंशन 0111 दिनांक 1 नवंबर 2019, और यहाँ पे है प्रति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली। और इसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो ये है कि EPS 95 पेंशनर्स की मांगे तुरंत मंजूर करने हेतु संदर्भ इस संगठन का पत्र क्रमांक EPS 95 आंदोलन नोटिस 1410 दिनांक 14/10/2019। आदरणीय महोदय, हमारे संगठन ने EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु पिछले 2 सालों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई आंदोलन किए, जिसमें से दिनांक 4/12/2017 से दिनांक 7/12/2017, दिनांक 4/12/2018 से दिनांक 7/12/2018 के दिल्ली आंदोलन व दिनांक 27/2/2019 को जंतर मंतर से माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय पर मोर्चा भी शामिल है। माननीय श्रम तथा रोजगार मंत्री जी के साथ कई बैठकें होने के बाद भी उनके द्वारा दिए गए आश्वासन आज तक पूरे नहीं किए गए, इस कारण EPS 95 पेंशनर्स में रोष चरम सीमा पर है। रोष को प्रकट करने हेतु बुलडाना महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दिनांक 24/12/2018 से आज तक 300 दिनों से अधिक भूख हड़ताल जारी है, फिर भी हमारी मांगें पूरी नहीं की गई है। जो है यहाँ पे लेटर में लिखा गया, हमारी मांगे जो है EPFO द्वारा जारी किया गया 31 मई 2017 का पत्र रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार EPS 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन की सुविधा दी जाए, और दूसरा जो है कम से कम 7,500 रुपये बेसिक पेंशन तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए, नंबर 3 सभी EPS 95 पेंशनरों को तथा उनके पति पत्नी को मुफ्त वैद्यकीय सुविधाएं दी जाए, चौथा जो है EPS 95 योजना वंचित सदस्यों को 5,000 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर दी जाए। आपसे नम्र निवेदन है कि उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 30 नवंबर 2019 तक पूरी करें, हमें कृपार्थ करें, अन्यथा मजबूरन हमें दिल्ली में 7 दिसंबर 2019 को रास्ता रोको आंदोलन सहित कोई भी आंदोलन जन भावनाओं को देखते हुए करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो EPS 95 नेशनल अगेंस्ट कमेटी की तरफ से, NSE की तरफ से जो है ये जारी किया गया है, और पूरे विस्तार से इसमें बताया गया है कि हमने कब से जो है जो मांगे हैं, जो हमारे जो देश के बुजुर्ग हैं उनकी जो मांगे हैं 7,500 रुपये उनको पेंशन मिलनी चाहिए, अभी जो है पेंशन जो है 500 रुपये से भी कम मिल रही है, और इस महंगाई के दौर में गुजारा नहीं हो सकता। कब कब और कब से लेकर अब तक जो है कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री को बताया इस लेटर के माध्यम से, उन्होंने बताया कि जो है श्रम रोजगार जो मंत्री हैं उन्होंने भी कई बार आश्वासन दिए, बट आज तक हमारी जो मांगे हैं पूरी नहीं की गई। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट निकल के आ रहा था EPS 95 पेंशन से संबंधित। अगर आप भी रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, EPS 95 पेंशनर्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे ऑनलाइन अपडेट्स यूट्यूब चैनल के साथ सभी अपडेट पाने के लिए।